Assalamu alaikum my YouTube family, hope you all are doing great. In this video I am going to talk about a sentence structure need to that you can use in your daily life. The word need means required. It can be used as a main verb or as a modal verb. But in today's video I am gonna teach you that how to use need as a main verb. So let's get going. गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीड के मीनिंग होते हैं रिक्वायर्ड, यानी हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी ज़रूरत. जब भी हम नीड का वर्ड सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो सेंटेंस दो सेंसेस देता है. एक सेंस होगा जब हम ये कहेंगे कि हमें ज़रूरत है, सिंपल हम अपनी नीड बताएंगे. मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम सिंपल नीड यूज़ करेंगे, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है. और एक सेंस ऐसा होगा कि जब हम कहेंगे कि हमें कोई काम करने की ज़रूरत है. मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है, आपको दवाई लेने की ज़रूरत है, तो ये जाने की, लेने की, देने की, जब इस तरह का सेंस आएगा तो हम नीड के साथ टू का भी एडिशन करेंगे. इसका सेंटेंस मेकिंग इस तरह होगी, यू नीड टू टेक मेडिसन, आपको दवाई लेने की ज़रूरत है. तो नीड के साथ टू का यूज़ किया जाएगा. फार्मूलाज इसके दो होंगे, सब्जेक्ट प्लस नीड और नीड्स. यानी जब वर्ब के साथ एस का एडिशन किया जाता है और ई एस का एडिशन किया जाता है, तो मैं ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ. अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच नहीं किया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं. तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नीड्स का और नीड का यूज़ किया जाएगा. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. जब सिंपल ये सेंस आएगा कि हमें ज़रूरत है, और जब एक सेंस ये आएगा करने की ज़रूरत है, कोई काम करने की ज़रूरत है, तो उसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस नीड टू और नीड्स टू. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इट वुड बी एडेड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मौजूद हो भी सकता है और सेंटेंस ऑब्जेक्ट लेस भी हो सकता है. लेट्स टॉक अबाउट इट्स एग्जांपल्स. आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है. तो यानी मुझे ज़रूरत है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर नीड का यूज़ किया गया, टू का यूज़ नहीं किया गया. इसी तरह तानिया नीड्स टू गो देयर. तानिया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इस वजह से यहाँ पर नीड्स का यूज़ किया गया है. नीड्स टू गो देयर यानी तानिया को वहाँ जाने की ज़रूरत है. वी नीड टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश, हमें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो करने की ज़रूरत है, जाने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर नीड के साथ टू का यूज़ किया गया है. लेट्स टॉक अबाउट इट्स नेगेटिव. नेगेटिव सेंस भी इसका इसी तरह होगा. यानी जब हम कहेंगे कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और हमें जो काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेंस होंगे इसके. और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाएंगे डोंट और डजंट. तो सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट प्लस नीड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जब सेंस आएगा जो काम हमें करने की ज़रूरत नहीं है और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. लुक एट दीज एग्जांपल्स. यू डोंट नीड टू स्पीक इन. यू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डोंट का यूज़ किया गया है, देन नीड टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. स्पीक इन का मतलब बीच में बोलना, यानी आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है. बोलने की ज़रूरत नहीं है यानी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है. ये सेंसेस ये यहाँ पर नीड के साथ टू का यूज़ किया गया है. सेकेंड इज़ आई डोंट नीड योर लव, मुझे आपके प्यार की ज़रूरत नहीं है. तो ये सिंपल वाला कॉन्सेप्ट था, तो इसे यहाँ पर नीड यूज़ किया गया है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डोंट यूज़ किया गया है. He doesn't need to clarify. उसे सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है.
तो यहाँ पर ही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डजंट का यूज़ किया गया है और नीड के साथ टू का यूज़ किया गया है, यानी सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव का भी यही सेंस होगा, यानी क्या मुझे ज़रूरत है और क्या मुझे ये काम करने की ज़रूरत है. ये दो सेंसेस होंगे एक ही फॉर्मूले में. मैं आपको बता देती हूँ, डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नीड और नीड टू. अब सेंटेंस का सेंस देखकर नीड और नीड टू का यूज़ किया जाएगा, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. डू आई नीड टू सिंपथाइज, यानी क्या मुझे हमदर्दी करने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है, तो इसलिए यहाँ पर नीड टू का यूज़ किया गया है. डू और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू का यूज़ किया गया है. डज शी नीड माई हेल्प, क्या उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज का यूज़ किया गया है और नीड सिर्फ इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि की ज़रूरत है की बात हो रही है. आई होप कि आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. So guys, that's all from my side. I hope you enjoyed this lesson. If you like it, kindly subscribe to my channel by clicking the subscribe button and share it with your family and friends. I will see you in the next lesson. Until keep practicing, keep growing. Have a nice day. Take care and goodbye.